आखिरकार 19 अप्रैल से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव आज अपने आखिरी चरण में है। यह 43 दिन बाद आज यानी 1 जून को खत्म होने जा रहा है। चुनाव के तुरंत बाद देश की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी होंगी। 4 जून को चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ही बता रहे हैं कि उम्मीदवार आशावान है या निराश। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 19 की बात करें तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने भारी अंतर से चुनाव जीता था। 2014 के लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई तक हुए थे और नतीजे 16 मई को सामने आए थे, जबकि 2019 का चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक चला और नतीजे 23 मई को आए। 2014 में ऐसी थी मोदी लहर। 2014 में 8 एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 283 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 105 सीटें मिलेंगी। उस साल मोदी सरकार की लहर ऐसी थी कि सभी के अनुमान गलत साबित हुए और बीजेपी एनडीए को 336 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस यूपीए को सिर्फ 60 सीटें मिली। इसमें अकेले बीजेपी को 282 सीटें मिली और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती। 2019 में इतने करीब थे एनडीए यूपीए। 2019 के आम चुनाव की बात करें तो औसतन 13 एग्जिट पोल ने एनडीए को 306 और यूपीए को 120 सीटें बताई थी। इसमें भी एनडीए का प्रदर्शन कम आंका गया था, लेकिन कुल सीटें 353 थी, जबकि यूपीए को 93 सीटें मिली थी। इनमें भी बीजेपी के पास 303 और कांग्रेस के पास 52 सीटें थी। 2009 में यूपीए बहुमत से जीती। बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। यहां यूपीए दोबारा सत्ता में आई। इस समय औसतन 4 एग्जिट पोल में विजेता पार्टी कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कम आंकी गई थी। एग्जिट पोल ने यूपीए को 195 और एनडीए को 185 सीटें दी थी। इस चुनाव में यूपीए को 262 सीटें और एनडीए को 158 सीटें मिली। इनमें से अकेले कांग्रेस ने 206 सीटें जीती और बीजेपी ने 116 सीटें जीती।